सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू अनदर व्लॉग। तो अभी मॉर्निंग है, ऑलमोस्ट बज रहे हैं 9 और अंकिता तैयार हो रही है, अपने शोरूम के लिए जा रही है। संडे आज नहीं आ रही आज ये पैसे नहीं छोड़ती, क्योंकि संडे को इनको अंकिता को एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, तो ये तब भी जाती है, क्योंकि पैसे इसको छोड़ने मंजूर नहीं है। बोले मैं छुट्टी नहीं लूंगी, लेकिन मैं जाऊंगी जरूर। वो कुकर में कुछ बनना है, इसलिए चीजें लग रही है, और उसके पेट में भी दर्द है, लेकिन इसके बावजूद भी अंकिता जा रही है। तू भी मसरूफ हो रहा है, पर तब भी जा रही, क्योंकि पैसे बहुत जरूरी है ना अंकिता। पैसा है तो दुनिया है। अच्छा चल रहा, देखो इसका टेस्ट मैच चल रहा है 2 दिन का। 5 दिन बॉलिंग करा था, बैटिंग के नाम पे 5 मिनट बैटिंग करता हूँ। मम्मी हमारी फिर हेलमेट अप लेने गई है। अरे बाहर के जल्दी ला रही हूँ, एक महीना को देखिए ला हुई थी बाहर रखी है। अरे गैस बंद करते नहीं होता, ये होता मैं अड़ी बाजरे लेके आ रही है। एक ही है, दोनों एक ही है। अरे एक ही है, डिजाइन भी एक ही है, कलर अलग अलग है। अरे एक ही है यार, कलर अलग अलग है, बस दोनों एक ही है। तो दोनों दे दी, तो मम्मी बाजरा की बल्ली ले रही है। मैंने बोली बाद में आके ले जाना, अरे बाज रहे हैं। तो मम्मी ने एक जी ले ली और एक वो काली वाली ले ली, मुझे नहीं पता। अब चावल और दे रही हैं मम्मी। अरे नहीं होंगे, एक किलो ऐसे खाओगे तुम पागल हो। तो भाई सीन ऐसा, सुबह से लाइट नहीं आ रही, गर्मी का बुरा हाल हो रहा है। दिमाग खराब कर दो, छोड़ गई नहीं तू अंकिता। लड़ाई हो गई दोनों ने सवेरे। अच्छा तो इस वजह से लड़े थे अंकिता, छोड़ने नहीं गए है ना। ये चावल कौन गया तुम्हारे लगे? मैं तो सांस नहीं ले पा। अच्छा डॉक्टर फोन करू? तो भाई लाइट नहीं है, सुबह से कटौती चल रही है, 4 घंटे कटौती, पंखा बंद पड़ा है और लाइट की बॉडी देखो। सो गाइस अभी आ गया हूँ मैं सर के यहाँ पर, गाड़ी लग गई पीछे एक्टिवा, और अभी दुकान पर जा रहा हूँ मैं, गाड़ी यहीं ला देता हूँ, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम आती है थोड़ी, गाड़ी की धूल मिट्टी बहुत हो जाती है इस वजह से, है ना। अभी दुकान जा रहा हूँ, वहाँ पर कंटिन्यू। सो गाइस अभी मैं दुकान पर आ चुका हूँ और घर पर थोड़ा सेविंग वगैरह कर ली थी, किससे किस सेविंग आए, क्योंकि अगर सेविंग नहीं करेंगे तो सेविंग आते नहीं है, ऐसा बोलते हैं जो रहते हैं ना हेयर कट वाले, ऐसा बोलते हैं। फिर मैं कर ली सेविंग, ये आया जल्दी जल्दी, अब काफ़ी हो गया, ये ऑलमोस्ट 20 के आसपास है, 21, तो सेविंग नहीं आया तो यार अजीब सा लगता है लिटरल भी, इस वजह से मैं सेविंग कर ली करता हूँ। और अभी दुकान पे आ गया हूँ, लूडो वगैरह चलते रहता है, तो मैं पता है वो ही चल रहा है कुछ नहीं, और राहुल वानी आया यहाँ बैठा हुआ लूडो खेल रहा है ना। तो बस ये अपडेट देना आपको, और भाभी अभी आई नहीं है और गर्मी लग रही थी, मैं टी शर्ट बहुत दिनों बाद मुझे मिली तो मैंने उसको पहन लिया, देखता हूँ सही लग रहा होगा सर, मैं काफ़ी थोड़ा डाउन हो गया होता है, ठीक है। और राहुल माल लगा रहे हैं, आइटम लगा रहे हैं। क्या हो गया? आ रहा हूँ कोई सही ना? पापा ने फोन। अरे तो जाएगा भी घर? जाऊंगा, सेट तो करा लियो, कुछ भी नहीं कराएगा, करा ले। तूने तूने देखी नहीं कैसी है लड़की? बहुत क्या करना, बहुत क्या करने, वही है सही है। तो बड़ा लड़का बड़ा एक्साइटेड है, शादी होने वाली है, बस मेरी मम्मी की सेवा कर रहा है, बस बस। बच्चू कुछ नहीं करेगा, मम्मी ने कपड़ा नहीं धोया, कुछ नहीं धोया, तू कुछ नहीं करेगा, तू कुछ नहीं करेगा। अरे अपनी करा ना, करा मम्मी की पहले करा, तू कुछ से साथ कुछ नहीं करेगा, नहीं करा मैं। हां तू ये बहुत हरामी है, सब कहते हैं सारे कांड कर दे, सभी अपने अपने गेम में लगे हुए। ये पबजी खेल रहा है राहुल, और इनका लूडो चल रहा है, कितने कितने 50-50 का चल रहा है। हां कितने मैच खेल लिए पहले ही, कौन जीते वाला? एक राहुल जीत चुका है, दूसरा मैच चल रहा है 50-50 का, और जीतने चांस लग रहे हैं यहाँ पे उदल के, राजकुमार के, उदल के, उदल ही जाएंगे कुटी नहीं। तो गाइस सब जब जा रहे हैं बैंक में पैसे जमा करने के लिए, आगे राजकुमार, पीछे मैं हूँ, और देखो यार पूरी दुकान वगैरह सब बंद है, क्योंकि आज संडे है, लॉकडाउन तो नहीं है फिर भी बंद है, लॉकडाउन बंद हो गया ना, तो हाँ लॉकडाउन खुल चुका है लेकिन फिर भी बंद है, क्योंकि यह संडे है ना। तो अभी हम कल से ग्वालियर में 10 बजे मार्केट बंद होने थी, अब 11 बजे तक बंद हो सकती है। हाँ रात के 11 बजे तक मार्केट बंद होगी, पहले 10 बजे तक था, अब 11 बजे तक उन्होंने कर दिया। यहाँ देखो गट्टी देखो,
पूरी रोड की ना मार के रखी वास्तव में। और यहाँ पे वो बने थे ना टॉयलेट, अच्छा टॉयलेट वहाँ सॉरी यहाँ पे बने हुए थे। और पूरी रोड देखो यार तुम, इतनी रोड की भाई साहब मतलब इतनी गंदी वाली वो की है ना लिटरली बहुत ज्यादा गंदी। ये देखो पूरी रोड मतलब खोद काट के डाल दिए। देखिए भाई स्लिप नहीं हो जाए, टायर हो जाते हैं इसके, एक स्कूटी के ग्रिप नहीं मिल पाती सही से। देख देख मैंने बोला था उसका अनबैलेंस हो गया। देख देखो कार सावधान, देखो मतलब पूरा ट्रैफिक लगा पड़ा है, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कार प्रगति पर देख रहे हैं आइए, देख रहा होगा ये देखो पूरा गट्टे गट्टे पूरा रोड बहुत ज्यादा पत्थर, इसमें खाना निकलेगा खजाना निकलेगा क्या निकलेगा पूरा गड्ढा गड्ढा। तो गाइस अभी पैसे देने आया हूँ मैं वहाँ को, यहाँ पे आज मैं बैंक में पीछे पैसे जमा कर रहे हैं, चलते हैं अभी वहाँ पे। अभी तो मैं वहाँ पे पैसे दे आया हूँ और ये अंदर राजकुमार पैसे जमा कर रहा है। हो गए जमा, हो गए हो गए क्या हुआ, काम नहीं कर रही, गेट बंद करते काम नहीं कर रही दादी, काम हो जाए। ओके अभी दुकान आ चुके हैं हम लोग, भाभी खाना खा रही हैं। देखो चले गए आप, मैं नहीं खा सकता। सो गाइस अभी दुकान बढ़ा दी है, अभी मैं जा रहा हूँ सर के यहाँ क्योंकि वहाँ गाड़ी रखी है। संडे था, मौसम देखो कितना गजब का हो रहा है, एक नंबर काले काले बादल। हाँ संडे इस वजह से दुकान थोड़ा जल्दी बढ़ा देते, पाँच से पेशेंट वगैरह रहते नहीं नॉर्मली। और अभी मैं जा रहा हूँ चलते चलते मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बैकग्राउंड देख लेते भाई बारिश होने वाले के बारिश होने वाली फुल तरीके से। ठीक है मैं दिखाऊं पूरा, देखो रोड पे मौसम क्या मस्त हो रहा है। अंदर एम पी प्लाजा इसमें पार्किंग होती है गाड़ी अपनी, ठीक है, और सर्वे क्लिनिक वहाँ है और ये गाड़ी रखी अपनी, इसको लेके चलते हैं। कल तो चालू हुई थी, आज का पता नहीं होगी नहीं होगी है ना, गेट लगा दी धूल आ रही है, देखते हैं चालू होती कि नहीं होती, और अगर चालू होती है तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। सो एक ऐसा ही मैं घर पे आ चुका हूँ, बढ़िया धूप चल रही, धूप बोल रहा हूँ, बढ़िया आवाज़ चल रही है एक नंबर की, और गाड़ी स्टार्ट करने में पानी पसीना निकल गया बॉडी से लिटरली, क्या कर गया पूरी बॉडी से पसीना निकल गया था उसमें, कम से कम मैंने 50 की दी होंगी तब जाके चालू हुई है, उसको सर्विस कराना पड़ेगी या उसकी बैटरी रिपेयर वगैरह कराना पड़ेगी जैसा भी है। तभी देखो यार मौसम कितना सही हो रहा है, मैं तो देखा हवा चल रही है बाकायदा, यहाँ देखो ये देखो बहुत बढ़िया आसमान हो रहा है ब्लैक ब्लैक। मम्मी अभी नल आते आ रहे हैं, सुबह से नल नहीं आए तो मम्मी पानी भर रही हैं, देख रहा हूँ जारी मम्मी बड़ी मेहनत करती है। और भाई लिटरली क्या गजब की हवा चल रही है ना, मतलब देखो पेड़ देखो तुम पेड़ देखो। तो अभी यूवी की पतंग उड़ के आ गई थी यहाँ पे, इसमें देखो ये फेंका है बोल लेना इसमें बांध के दे दो, चलो ठीक है तो मैं इसको इसमें डाल देता हूँ, ये टूटेगा तो नहीं, मैं इसको इसमें डाल देख यू बेटा उड़ नहीं है, बहुत है एक जिले आराम से ठीक है आ गई। देखो नल आ रहे हैं, नल आ भी कैसे रहे हैं ये देखो झटकों से ऐसे नल आ रहे हैं, लग रहा है अगर मोटर वगैरह फूक गई तो नाटक हो जाएगा, और कुछ नहीं है वैसे भी तो पैसे नहीं है और लग जाएंगे इसमें, लेकिन यार पानी जरूर लिया, अगर पानी जैसे आ रहे हैं वैसे ही भर लो, अगर ये भी नहीं आया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी।
कुछ भर गया है वैसे तो ऑलमोस्ट सब सारे बर्तन भर लिए, ये भर लिया, ये भर लिया, ये भर लिया, सब कुछ भर लिया, थोड़ा सा जो और भर लेता हूँ टब, उसके बाद क्या कहते हैं मैं बंद कर दूंगा मोटर, क्योंकि इससे यार मतलब डर भी है अगर फूक गई मोटर तो दिक्कत हो जाएगी है ना। और अभी मोटर ली है जो है नहीं ली है ना, 6-8 महीने हुए हैं ऑलमोस्ट, तो यूवी ने अपनी पतंग दोबारा फंसा दी, पता नहीं क्या करता है ये, पतंग उड़ाता है पता नहीं क्या करता है। और वो गाली कहाँ है, रुके 2 मिनट, उड़ा लेगा तू। सो हे गाइस, कैसे हो? तो अभी हो रहे हैं नाइट के ऑलमोस्ट 11 और सब सो चुके हैं, मैं भी सोने के लिए जा रहा था, खाना बना हो गया है, फ्रेस मेरा सो लिया है, संडे था है ना, तो बस अपडेट कर रहा था। और कल का क्या प्लानिंग है, कल की भी एक प्लानिंग है तो मैं आपसे कल ही डिस्कस करूँगा, अभी के लिए आप लोगों को गुड नाइट और कब मिलते हैं। और गाड़ी ने भाई बहुत परेशान कर दिया लिटरली, इतना परेशान के लिए, लेकिन मौसम मस्त हो रहा था लेकिन पानी फिर भी नहीं बरसा, मैं वेट करता था कि पानी बरसेगा तो फिर नहाते हैं थोड़ा, लेकिन पानी नहीं बरसा। अब तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट और सी यू सून।